नमस्कार बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीके टेक्निकल ज्ञा में। तो बहनों, आज मैं आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहां पे बताने जा रहा हूं। सो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप सभी आंगनबाड़ी बहनें हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी के नोटिफिकेशन दबाने के बाद ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ से डायरेक्टली हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इस प्रकार से आप लोग का होम पेज ओपन होके आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी कैटेगरी दिख रहे हैं वो आप सभी को इंग्लिश लैंग्वेज में ही दिख रहे हैं। जैसा कि क्या होता है कि कई आंगनबाड़ी सेविकाओं को इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर होता है, जिससे कि उन लोगों को पोषण ट्रैकर ऐप में काम करने में प्रॉब्लम होती है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है और सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जैसा कि हमने आप सभी को एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि यहाँ पर जो मोड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो इसका लैंग्वेज है, अगर आप लोग हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें जो इवेंट वाला ऑप्शन है वो आप लोगों का ओपन नहीं हो पा रहा था। तो अब इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लोग यहां से हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके आप लोग इसका इवेंट भी ओपन कर सकते हैं। इवेंट भी आप लोगों का यहां पे शो होने लगा है। और जैसा कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला कैटेगरी है, वहां पे भी आप लोगों को कई बदलाव देखने को मिलेंगे। चलिए यहां पे सबसे पहले हम आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करके दिखा देते हैं और आगे दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट लैंग्वेज के ऊपर क्लिक कर दिया है हमने, और यहाँ पे हम इसको हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। हिंदी पे क्लिक करेंगे और नीचे फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हमने हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी कैटेगरी आप लोग देख रहे हैं वो सभी कैटेगरी यहाँ पर हिंदी में आ चुकी है। लोग यहाँ पर आसानी से सभी कैटेगरी में जाके अपना काम कर सकते हैं। पहले क्या था कि अगर आप लोग हिंदी सेलेक्ट करते थे तो कुछ ही ऑप्शन जो है यहाँ पे हिंदी में खुल के आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप लोग के लिए ये जो पोषण ट्रैकर ऐप है वो पूरा हिंदी में काम करने लगा है। अब चलिए यहाँ पे हम आपको घटनाएं वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दिखा देते हैं। जैसा कि घटनाएं वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सभी आपको घटनाएँ भी हिंदी में दिख रही है। सभी चीज़ें इंग्लिश में ही लिखी आ रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप के होम पेज पे आने के बाद भी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ें बदल गई है। यहाँ पे आधार सत्यापन करूँ, इस प्रकार से कुछ हिंदी लिखा हुआ आ रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे लाभार्थियों वाले पे क्लिक करते हैं। जो कैटेगरी है लाभार्थियों वाली, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी बेनिफिशरीज हैं उन सभी का यहाँ पर कैटेगरी हिंदी में आ चुका है। चलिए यहाँ पर हम किसी लाभार्थी का न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पे चलते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बच्चों की कैटेगरी को ओपन किया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि नव पंजीकरण, यानी कि नया पंजीकरण यहाँ से आप लोग कर पाएंगे। तो इस प्रकार से लैंग्वेज में जो है कुछ यहाँ पे बदलाव किया गया है। नया नया तरीका से यहाँ पे लैंग्वेज को दिखाया जा रहा है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर नव पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाली कैटेगरी है वो बिल्कुल बदल चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे बच्चे का नाम, यहाँ पे चाइल्ड्स नेम लिख के आता था, यहाँ पे बच्चे की आधार संख्या। कुछ आंगनबाड़ी बहनों को यहाँ पे प्रॉब्लम यह आती थी कि बच्चों की आधार संख्या के जगह पे माता का आधार संख्या डाल देती थी, लेकिन यहाँ पे अब साफ साफ लिखा गया है कि बच्चे के पास आधार नहीं है तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पर आपके पास बच्चे का आधार नहीं है तो यहाँ पर हाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके माता का आधार संख्या डालने का ऑप्शन है, वो नीचे यहाँ पर आ जाएगा और लिखा आएगा माता की आधार संख्या, यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ मदर, इस प्रकार से यहाँ पे दिखा रहा है। अगर माता के पास आधार नहीं है तो पिता के आधार से इनका रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे हाँ वाले पे क्लिक करेंगे तो पिता का आधार का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पिता अभिभावक की आधार संख्या, यहाँ पे देख सकते हैं जन्मतिथि पिता अभिभावक। और जैसे कि यहाँ पे जन्मतिथि में भी आप लोग गड़बड़ी कर देते थे, यहाँ पे जन्मतिथि जो है पिता यानी जो अभिभावक है जिनका यहाँ पे आधार कार्ड डालेंगे उनका ही यहाँ पे जन्मतिथि को यहाँ पे डालना है। और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं लिंग अभिभावक, यानी कि पेरेंट्स का यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, पेरेंट्स पुरुष है या स्त्री है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और नीचे यहाँ पे देखेंगे कि जन्मतिथि बच्चा,
तो यहाँ पे बच्चा का जन्मतिथि डालना है और ऊपर में आपको किसका डालना है, अभिभावक का जन्मतिथि डालना है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ पाएंगे कि कितना आसान हो चुका है पोषण ट्रैकर ऐप में अब काम करना। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम, मोबाइल नंबर, माता पिता या अभिभावक किसी का भी यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के सुरक्षित करें वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का पोषण ट्रैकर ऐप जो है वो पूरा का पूरा हिंदी लैंग्वेज में आ चुका है। उम्मीद है अब आप लोगों को काम करने में आसानी होगी। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।